प्रदेश में भी कोविड 19 वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 1,48,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। राजधानी जयपुर में लोग टीकाकरण केंद्रों पर भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर में वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोग जो मौजूद हैं वो कावटिया अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो है कई लोग तो अपने हाथों में सैनिटाइजर भी लेकर के आए हैं। ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पूरी तरह से जो है सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में वेरिफिकेशन का एक काउंटर अलग से बनाया गया है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो है यहाँ लोग वैक्सीन जो जिस रूम में लगनी है उस रूम के लिए लाइन में लगते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज वर्मा जो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को पूरी तरह से संभाल रखे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया। आज हमारे सेंटर पे कांवटिया अस्पताल में लगभग 220 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है, क्योंकि अभी तक 200 के करीब तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अभी 20-30 लोगों का जो भी शेष रहते हैं, जितनी डोजे हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। सेंटर पर जो है कितने वर्ग से आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन? कांवटिया अस्पताल में 45 से ऊपर वाले व्यक्तियों का ही रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है और उन्हीं लोगों का हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो अपना अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यदि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम है तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ आ जाए, अन्यथा हमारे यहाँ पे भी तुरंत रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद में उसे वेरीफाई किया जाता है और फिर उसके बाद में पूरे गाइडलाइंस के तहत उसे वैक्सीनेशन कर करके और आधा घंटे के लिए बैठाया जाता है और उसके बाद उसके पश्चात घर भेजा जाता है। यहाँ कुछ लोग वैक्सीन के लिए आए हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया या कैसे पहुँचे। सर मेरा सेकेंड डोज है तो मैं लाइन लगा कर ही आई थी, मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, मैं लाइन में ही थी और उसके हिसाब से मेरा नंबर आया। तो ये वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग हैं जिनको कहना है कि हाँ उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यदि आंकड़ों की बात करें तो पूरे प्रदेश में अब तक जो है 1,48,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। ऐसे में हम लोगों की भी अपील यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों का और परिवारजनों का वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस कोरोना रूपी चेन को तोड़ा जा सके। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD News।